भगवान नाम से सब संभव, भगवान के नाम से सब कुछ संभव हो सकता है। आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे दो माला से शुरू करिए पर माला सब करिए, माला से काउंटर से भगवान का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि नाम कलयुग में सबसे आसान और सबसे बढ़िया साधन, सबसे आसान भी है और सबसे बढ़िया भी है, और इसमें जाति पाति किसी भी चीज़ का भेद नहीं। इसको ये नहीं है कि शूद्र नहीं ले सकता, हर एक कोई और हर समय में हर जगह इसमें पवित्रता अपवित्रता नहाया धोया कुछ नहीं है, आप कहीं भी हर जगह हर समय में ले सकते हैं। भगवान नाम से सब संभव, भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है। भगवान ने कहा आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी सभी मेरे नाम को जपें और किसी भी तरह से जपें, मैं उनकी सब बात सुनता हूँ और संभव हो सके तो पूरी भी करता हूँ। आर्थ दुखों के दुखी में दुख में जो पुकारता है, अर्थार्थी पैसे के लिए जो पुकारता है, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी भक्त जो भगवान की ही आत्मा है। भगवान कहते हैं वो तो मेरा ही स्वरूप है, तो सब के लिए नाम है। ज्ञानी भी तत्वज्ञानी भी सभी नाम जपते हैं। बहुत से लोग इसको कालशेप के लिए जपते हैं। कालशेप जानते हैं, भगवान का नाम शुरू कर दीजिए, बस कुछ तो करना है तो क्या करें, इधर उधर की बात करें, मोबाइल पे बात करें, मोबाइल देखें, ये करें वो करें, नाम लीजिए। बहुत ज़रूरी है कि नाम लिया जाए। मंगलमय नाम परम मंगलमय तथा संपूर्ण बड़े से बड़े उपद्रवों को, आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक व्याधियों को मिटाकर सब प्रकार से परम कल्याण करने वाला है। कह रहे हैं सभी व्याधियों को मिटा देता है। आधिदैविक, आधिदैविक जानते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, अकाल पड़ गया और कोई नुकसान हो गया, आग लग गई, ये सब आधिदैविक प्रकोप है। आदि भौतिक शरीर पर कष्ट आ जाता है, कोई बीमारी हो गई, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कभी हार्ट में पेन हो गया, कभी पैरों में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो कह रहे हैं ये तो लगा ही रहता है शरीर पर, शरीर है ना ये, आदि भौतिक है ये, तो कह रहे हैं नाम से ये व्याधियाँ भी मिट जाती हैं, व्याधियाँ भी मिट जाती हैं। कैसे भी दुस्साध्य रोग हों, अगर मिटते नहीं है तो आपको महसूस नहीं होते, उनका प्रकोप कम महसूस होता है। जैसे हरिदास जी को जब वो नाम लेते थे, कोड़े पड़वाए गए कि तुम नाम लेना बंद कर दो, तो जब उनको कोड़े पड़े तो उनका मांस तक छिल गया, उसमें से खून बहने लगा। जो कोड़े मार रहे थे उनको भी बेचारों को घबराहट होने लगी, और कोड़े सहते सहते मतलब कोड़े की मार खाते खाते पर उनको कोई असर नहीं हुआ, वो तो जितनी ज़ोर से उन्हें कोड़े पड़ते उतनी ज़ोर से वो नाम लेते, और कोड़े खाते खाते बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो इन लोगों सब जब मर गए तो उनको डाल दिया नदी में, नदी में डाल दिया तो वो बहते 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 दूसरे किनारे पहुँच गए। दूसरे किनारे पहुँच गए तो वहाँ कुछ लोगों ने उठा के ले गए, और वो फिर एक कुटिया बनाकर नाम जप करने लगे। तो जब वो नाम जप करते थे तो चारों तरफ शांति ही शांति थी, उतने उसमें एरिया में शांति शांति रहती थी, तो लोग उनसे प्रभावित होने लगे, आने लगे। तो जिन्होंने उनको काजी ने जिन्होंने वो कराई थी, उनके कोड़े पड़वाए थे, वो आए उनके पैरों पड़े, बोले इतने कोड़े मरवाए, इतना मारा फिर भी नहीं मरे, किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से। देखिए उनके इतना शारीरिक कष्ट दिया गया, आदि भौतिक कष्ट भी नहीं लगता, आदि दैविक भी नहीं लगता, और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कष्ट जानते हैं, मन का दुख। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? मन का दुख। मन से ही हम दुखी होते रहते हैं, मन ही संसार है, संसार में ज़्यादा दुख नहीं है, मन ही संसार है, मन से ही आदमी दुखी होता रहता है। अब मन के दुख कैसे कम हो? बोले मन के दुख कम करने के लिए जब हम नाम लेते हैं तो मन में कितने विचार आते हैं? मन में ज़्यादा विचार आते नहीं आते, कम आते, बहुत कम विचार आते, और आते भी हैं तो कट जाते हैं। मानिए आपका मन परेशान है
कोई चिंता की बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप परेशान है मन, तो आप लेकर अपनी माला बैठ गए और जप करने लगे। अब मन चलने लगा, मन चलने लगा तो जोर जोर से जप करिए, जप करिए भी जोर जोर से और उसे सुनिए भी। तो जब करते भी हैं हम अपने मुख से और सुनते भी हैं, तो सुनने से मन शांत हो जाता है, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें लग गई ना, मुख भी लग गया और कान भी लग गए, तो मन शांत हो जाता है। तो आध्यात्मिक मन बहुत शांत हो जाता है। गुस्सा कम आएगा आपको, चिड़चिड़ाहट कम आएगी, आप जवाब कम देंगे, आप उल्टा जवाब नहीं देंगे, आपके घर में शांति हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाती है नाम से। तो कहने तीनों तरह के ताप आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक व्याधियों को मिटा के सब प्रकार से परम कल्याण करने वाला है। जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देते। बोले सूर्य निकला और सारा अंधकार नष्ट। ऐसे ही नाम जप का सूर्य निकला, हमने नाम करना शुरू करा तो हमारे सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। अतः समस्त जगत का मंगल करने वाले श्री हरि की जय हो, जय हो, जय हो। एक श्रीमद् भागवत का श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि पर। तो भगवान का नाम लेने से सारे पापों का नाश हो जाता, सारे दुख, सारे क्लेश, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखिए, एक साधन पकड़ लीजिए और उसी में लग जाइए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पे पड़त निशान। जैसे रस्सी के आने जाने से सिल पे निशान पड़ जाते हैं, सिल कितनी सख्त होती है, और ऐसे ही बोले नाम लेने से एक साधन पकड़ लीजिए, करिए सब जो गुरु बता रहे हैं, सब सुनिए, सत्संग करिए, भजन करिए, मतलब, और एक चीज़ पकड़ लीजिए, नाम। नाम और मंत्र में फ़र्क है। मंत्र जैसे गायत्री मंत्र है ना, और भी कई सारे मंत्र होते हैं। तो अब मंत्र में क्या होता है, नहा धो के करना होता है, उसके कुछ विधि निषेध होते हैं, पर नाम का कोई विधि निषेध नहीं। ऐसा नहीं है नहा धो के ही करना है, ऐसा नहीं है लैट्रिन बाथरूम में नहीं कर सकते, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है, इसको आप हर समय में हर जगह ले सकते हैं। बस ये देखिए, जब नाम ले रहे हैं तो झूठ नहीं बोलना है, चोरी ठगी बेईमानी नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है, ये हमको साथ में ध्यान भी रखना है कि जो 10 नाम अपराध बताए हैं वो हमारे जीवन में ना हो। तो कह रहे हैं, एक बार भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देता है, एक बार। तो हम तो रोज इतनी बार ले रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे? तो कह रहे हैं एक बार, क्योंकि एक बार, जैसे बोला चाबी हमने लगाई, मोटर स्टार्ट नहीं हुई है ना, पर कभी तो हो जाएगी स्टार्ट, लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे। ऐसे भाव से नाम लेना है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता ना, जैसे वो सुनाया था कि भाई गंगा जी में स्नान किया है ना, गंगा जी में स्नान किया तो भाई हमारे सारे पापों का नाश हो जाएगा, ये विश्वास ही नहीं है। तो ये विश्वास हो जाए कि नाम से मेरे सारे पापों का नाश हो जाए। नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, लीजिए। सबसे प्रार्थना है कि सब नाम लीजिए। चैतन्य महाप्रभु जो नाम अवतार कहे जा रहे हैं, उन सब ने हमें नाम का दान दिया, हमारे गुरु ने हमें नाम का दान दिया और कहा कि भाई सब लोग नाम लें। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, कलो नास्ते, कलो नास्ते, कलो नास्ते गतिरंथा। बोले भगवान का नाम केवल, हरे नाम, हरे नाम केवलम, केवल भगवान का नाम ही कलयुग में मनुष्य को पार कर सकता है। केवल भगवान नाम की अनंत महिमा है। ये केवल लोक परलोक तथा भोग मोक्ष का ही परम साधन नहीं, दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति में भी परम सहायक होता है। कह रहे हैं लोक परलोक और भोग मोक्ष तो देता ही है, साथ में कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति कराता है। भगवान का नाम क्या करता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है। सभी ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने
नाम की महिमा गाई है। वेदों से लेकर आधुनिक संतों की तमाम वाणियां भगवान नाम की महिमा से भरी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी तुलसीदास आदि ने केवल नाम पर ही भरोसा करने की बात कही है। हे भगवान, जीवों की विभिन्न रुचियों को देखकर ही आपने अपने राम, कृष्ण, मुकुंद, गोविंद, गोपाल, दामोदर आदि नाम प्रकट किए हैं और प्रत्येक नाम में अपनी समझ शक्ति भी निहित कर दी है। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश काल पात्र का कोई नियम भी नहीं रखा, अर्थात कहीं भी किसी समय भी कोई भी नाम स्मरण कर सकता है। प्रभु, आपकी जीवों पर इतनी अहैत की अनुकंपा होने पर भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नामों में अनुराग नहीं हुआ। यानी इतनी आपकी कृपा है कि आपने अपने अनेकों नाम रख दिए और गुरु ने हमें महामंत्र दे दिया। महामंत्र, जैसे लड़की शादी कर लेती है तो पति एक होते हैं, बदलती नहीं है, ऐसे ही नाम भी एक पकड़ लें तो उसी को करें। रोज रोज नाम नहीं बदलने से पति नहीं बदलती स्त्री, ऐसे नाम भी मत बदलिए। हे श्री राम, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, वे प्रार्थना कर रहे हैं। हे आनंद स्वरूप, ऐसे कर, हे श्री राम, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे आनंद स्वरूप, हे दया परायण, हे कमलकांत, हे श्री कृष्ण, हे नाथ, ऐसे आपके जो संबोधन नाम रूपी महा सुधा समुद्र है उनकी प्रेम रूपी लहरियों में मुझे निमग्न कर दीजिए। भगवान, आप अपने नाम में मेरे मन को लगा दीजिए। जैसे समुद्र की लहरों में मनुष्य ऊपर उतरता नीचे चढ़ता और उतरता रहता है, ऐसे ही आपके नाम के रस में मैं उतरता और चढ़ता रहूं। विषयी लोगों के जैसे मोह संसार के प्राणी पदार्थों में होता है, आपके नाम में मेरा वैसे ही मोह उत्पन्न कर दीजिए। जैसे संसार के लोगों का मोह होता है संसार के प्राणी पदार्थों में, ऐसे ही मोह आप मेरा नाम में कर दीजिए। हे प्रभु, हे दयानिधि, हे भक्तवत्सल, हे प्राणनाथ, आप मेरे नाम में प्रीति करा दीजिए। नाम कीर्तन करते समय मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहती रहे और मैं कीर्तन आनंद में विवश बना रहा। कहने जब नाम संकीर्तन हो तो मेरे आँखों से अश्रुधारा बहती रहे। प्रार्थना करिए बार बार भगवान से, भगवान जब मैं आपका नाम लूँ तो मेरी आँखों से अश्रुधारा बहती रहे और मैं आनंद में निमग्न रहूँ। देखिए, जो विषयों से आनंद मिलता है उसमें हमें अपनी कुछ ना कुछ शक्ति लगानी पड़ती है, पर जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें शक्ति शक्ति मिलती, हमारी शक्ति खर्च नहीं होती, हमें शक्ति मिलती है। प्रभु, आप नित निरंतर मेरी यही स्थिति कर दीजिए। श्रीकांत, कृष्ण, करुणामयी, कमलनाभ, केवल बल्लभ, मुकुंद, मुरारे, आपकी ये निर्मल मुक्तहार की शोभा सुषमा को तिरस्कृत कर देने वाली विमल नामावली हम सदा सर्वथा अपने कंठ में धारण किए रहें, ऐसी कृपा कीजिए। श्री कृष्ण, भगवान का नाम लेते ही मेरी आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगे, बदन गदगद हो जाए, वाणी रुक जाए और शरीर रोमांचित हो जाए। ऐसा कब होगा? फिर ऐसा कब होगा प्रभु? वो दिन कब आएगा नाम लेते हुए मेरा शरीर रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आँखों से अश्रुधारा बहने लगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने के अंतिम शब्द हैं। जब वो 125 साल की उनकी आयु हो गई तो अपने शिष्यों में शुभचिंतकों द्वारा अपने कल्याण का परम साधन पूछने पर उन्होंने पूछा, भाई तुलसीदास जी से उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो पूछा, भाई हमारा कल्याण कैसे हो? सर्वहित के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से नाम की महिमा कही गई अविस्मरणीय अंतिम पंक्तियाँ। तुलसीदास जी ने अंत में नाम की महिमा कही, क्या कहा? अल्प अवधि जीव वामे सोच पौच बहु, करने को बहुत कुछ कहा कहा कीजिए। कोई छोटी सी उम्र है कलयुग में, 60-70 साल की, 75 साल की,
ज़्यादा 100 साल की, 100 साल भी कितने लोग पर सेंचुरी कितने लोग मार पाते हैं। बोले उसमें भी बहुत कुछ सोचना पोचना है, कितनी सारी बातें हैं सोचने के लिए, सोचता ही रहता है आदमी दिन भर। करने को बहुत कुछ, बोले करने को भी बहुत कुछ है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। बोले काका कीजिए, पार न पुराणन को वेदन का अंत नहीं। बोले जो पुराण है 18 पुराण है, क्या क्या पढ़ोगे, वेदों का अंत नहीं है, वेद भी बहुत बड़े बड़े हैं, कहाँ तक पढ़ोगे। वाणी तो अनेक, मन कहाँ कहाँ दीजिए। बोले कितनी सारे संतों की वाणी है, किस किस में मन दीजिए। कवि की कला अनंत, छंद और प्रबंध बहु। बोले कवियों की कला अनंत है और छंद प्रबंध भी बहुत है। राग तो रसीलों, रस कहाँ कहाँ पीजिए। बोले राग रागनी है, बोले उनकी इतने सारे रस हैं, किस किस रस को पियेंगे। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारन चाहे राम नाम लीजिए। अगर जन्म सुधारना चाहते हो तो भगवान का नाम लीजिए। अब तुलसीदास जी ने ये भी कहा, भरोसा जाही दूसरों सो करो। बोले जिसे दूसरों का भरोसा है वो करे। मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण फरो। बोले मेरे को तो भगवान के नाम का भरोसा है कि यही मेरा कल्याण करेगा, मुझे और किसी का भरोसा नहीं है। शंखर साखी जे राखी कहो, कछु तो जरी जी ही गरो, अपनो भलो राम नाम ते तुलसी समझ परो। तो तुलसीदास जी ने कहा मेरा यही भरोसा है, भगवान का नाम ही मुझे तारेगा। अब बताया महात्मा गांधी जो थे, दैनिक प्रार्थना में नाम संकीर्तन का मुख्य स्थान था उनका। आपको सब पता है कि जब उनको गोली लगी तो 3 बार उन्होंने राम राम बोला और प्राण छोड़ दिए। कहने जो दैनिक प्रार्थना कराते थे उसमें नाम संकीर्तन का मुख्य स्थान था। यद्यपि उनके जो अनुयायी हैं वो बोले कहते तो हैं हम गांधी जी के अनुयायी हैं, पर नाम कितना लेते हैं। जब हम नाम लेते हैं भगवान का तो ऐसा नहीं कि हमारा ही उद्धार होता है, हमारा ही फायदा होता है, बोले पूरे देश का, पूरे विश्व का फायदा होता है। और हमारे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा, ऑरा जानते हैं, ऑरा को हिंदी में क्या कहते हैं, घेरा, चलिए ऐसा घेरा बन जाता है जो हमें सब चीज़ों से बचाता है। और आपके शरीर के एक एक नस नस में, एक एक सेल में, एक एक कोशिका में भगवान के नाम का प्रभाव जाता है। तो नाम की महिमा अनंत है। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे।